मैं दोनों टाइम बर्तन माँज माँज के थक गई हूँ और खाना बना बना के, और सिस्टर भी चली गई हॉस्टल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज छठ वाला दिन था, अर्घ वाला, जैसे आज जो वीडियो देख रहे हो आज ही मैंने अपलोड कर दी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, न्यू ब्लॉग में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। तो सबके हम गोड़ चुके गोड़ लगे तनि जे भी हमरे भोजपुरी के पसंद कर ला ओके बहुत सारा प्यार हमरे तरफ से। और सुबह के बज गई बा 8:25 और कल जैसे छठ वाला दिन 10 तारीख के हमारे घर केहू ना रहे, बस मम हम और हमार छोट बहन। तो हम वीडियो ना बनेनी दिन में ही, मतलब बाबू भी रहना छोटा वाला, पवन जी भी थे लेकिन वो शाम को चले गए गांव पे, दूसरे वाले गांव पे। तो हम और सिस्टर थे शाम को, और ताला वाला मार के आराम से सो गए थे। और सुबह उठे तो काम वाम फिनिश हो गया है, देन उसके बाद अभी नहाई नहीं हूँ मैं, लेकिन लग रहा है नहा ली हूँ। अब ठंडी आ गई ना, इसे ही लगना चाहिए बस। तो अभी नहाऊंगी मैं, 8:30 हो रहा है, 9 बजे तक नहा लूँगी। और आज वो फर्स्ट गुरुवार, पिछला गुरुवार दिवाली पड़ा था तो मैंने छोड़ दिया था, 21 व्रत करने का मैंने वो लिया था संकल्प, और अभी 3 व्रत मेरे से छूटा है गुरुवार। तो अभी 17 ही कम्प्लीट हुआ है, जुलाई से मैंने रखना शुरू किया था, 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई का पहला गुरुवार मैंने स्टार्ट किया था रखना। तो अभी बच्चे सब चिल्ला रहे, इग्नोर करिएगा, क्योंकि ना आगे पेड़ पे ना सब्जी लगी हुई है और उस पर खूब बड़ा सा बंदर आया तो सब मार रहा है। तो यही है, कुछ ऐसे ही ब्लॉग आज का स्टार्ट किया है मैंने। और कल के वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, दिल से थैंक यू। और लग नहीं रहा कि नहाई नहीं हूँ, तो ऐसे काम चल जाता है, बट व्रत हूँ तो नहाना पड़ेगा, नहीं डेली नहाती हूँ, गंदी बच्ची नहीं हूँ। तो अम्मी जी भी चले गए ड्यूटी और कल है उनका छुट्टी, और मैं 13 तारीख को है मेरा बर्थडे, जब ये ब्लॉग जाएगा उसके नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे, यानी आज है 11, कल 12, परसों 13 को है मेरा बर्थडे। तो आई थिंक कि मैं शाम को जाऊँ मार्केट, कपड़े लेने हैं, कुछ क्या लेना है पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया है क्या पहनूंगी, कैसे कैसे सेलिब्रेट होगा, क्या होगा, क्योंकि सिस्टर आज चली जाएगी हॉस्टल और बचेंगे हम 3 भाई बहन, मम्मी पापा। तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा शाम के वीडियो तक, शाम तक आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये वाली वीडियो की क्लिप एक दिन पहले की है, जब भाई पहन रहा था धोती, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये जा रहा था रामायण का पूजन करवाने, और तैयार हो गया था सुबह में। आपको हाय बोल रहा है, आप लोगों को गोला मोला सा लग रहा है, मेरे जैसे ही गोला मोला। तो यहाँ रेडी हो गया था, बस चाय पी के ही निकल गया था। अर्ली मॉर्निंग का ये क्लिप है, 8:30 हो रहे थे शायद से, और छोटे वाले भाई ने गाड़ी वाड़ी निकाल के साफ़ कर दिया था, बस इसको जाना था लेके, कंघी करेगा उसके बाद निकल जाएगा। और ये इसका ट्रेडिशनल मतलब लुक है धोती और कुर्ते में। तो यहाँ तैयार हो रहा है, देख लीजिए इसको, मोटा मोटा वीडियो देखेगा तो देखना, मोटे मोटे। हेलो, और अभी ना सुबह से व्रत थी तो पूजा करने के बाद कुछ भी नहीं करी सुबह में, और अभी ना मम्मी आ रही हैं फाइनली 10 दिन बाद घर पे। तो भाई गया है चौराहे से ले आने, क्योंकि बाबू बाइक लेके आ गया था, तो लोग ऑटो से आ रहे हैं, बस एक ऑटो चेंज करना होता है मामा वहाँ से घर आने में। तो वेट कर रही हूँ यहाँ पर खड़ा होकर ना, कि मम्मी कब आएँगी कब आएँगी, 10 दिन बाद, 10-11 दिन बाद आई थिंक कि मम्मी आ रही हैं घर पर। और 10-11 दिन से ना मैं दोनों टाइम बर्तन माँज माँज के थक गई हूँ और खाना बना बना के, और सिस्टर भी चली गई हॉस्टल, मतलब दोपहर में चली गई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि कुछ काम ज़रूरी था तो वो सब करने लगी और बैठी थी। कुछ भी मन नहीं होता है व्रत में, एक तो मुंह पता नहीं क्यों सड़ा गोबर जैसे लगता है, और उसके बाद से मन ही नहीं होता, तो उन्हें किया कुछ। मम्मी का वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाए, मम्मी से मिलूँ, और देखती हूँ कि देवरिया जा पाती हूँ शॉपिंग के लिए कि नहीं जा पाती हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता। आज भी लग रहा है कि ब्लॉग नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी हमको लग रहा है ना 2-3 बजने वाला है और अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, 3-4 मिनट की वीडियो ही है, तो क्या डालूँगी रात में। अगर जाऊँगी भी तो आने में 7-8 बज जाएगा, खाना बना के जाऊँगी मैं देवरिया, क्योंकि मम्मी फिर थकी हारी आ रही है ना, कल व्रत थी और उतने दिन उधर थी, तो वो सोच रही हूँ रोटी और सब्जी बना के जाऊँगी, दाल चावल तो भाई भी बना देगा बड़ा वाला, तो देखती हूँ क्या होता है। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, मम्मी आती हैं आप लोगों से मिलवाती हूँ, और
बहुत ज़्यादा दिन, मतलब बहुत साल बाद, बहुत ज़्यादा दिन बाद मम्मी इतना दिन घर से बाहर रही हैं, 10-11 दिन, वरना मम्मी कहीं नहीं जाती हैं, मतलब मौका ही नहीं मिलता है। थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है और उसके बाद से कभी मौका नहीं मिलता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी मम्मी गई थी, मेरे होश में नहीं है कि कितने साल बाद मम्मी कहीं इतने दिन के लिए गई थी, तो अभी इस बार गई थी, आ रही हैं, देखते हैं कैसी हो गई हैं। चलिए आती हैं फिर मिलवाते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे जितना भी प्रसाद मम्मी लेके आई थी ना, वो सारा कुछ मैं निकाल रही थी, मतलब मैं दिखा रही हूँ, मतलब ऐसे ही मम्मी निकाल रही थी कि सबको प्रसाद देना है। अगल बगल में आंटी के वहाँ पवन जी पीट दे, वीडियो एडिट करे देना, परेशान करेला बार बार देख बोल रहा है, पोटली बना के मामी दी है इतना सारा पालथीन में। और यहाँ पर ना मम्मी लेके आई थी मनी प्लांट, ये हमारी राजकुमारी को देख लीजिए, हालत ख़राब हो गया है, आई हैं घूमी घूमी करके 8-10 दिन बाद। और यहाँ पे ना साड़ी वाड़ी शायद मामी ने दिया था, मम्मी मामा वहाँ के दोनों गांव गई थी, तो ये साड़ी ग्रीन वाला अच्छा लग रहा था, कपड़ा अच्छा है बट कलर थोड़ा सा लाइट है, तो रख देंगी ऐसे। मम्मी तो बहुत चमका हुआ धमका हुआ भोजपुरी में जन कहल जला है भी, मतलब बस सिंथेटिक सा साड़ी पहनती हैं, सिंपल सा देखते ही हो आप लोग। तो ये प्रसाद मैं निकाल रही थी और बोली कि दे दीजिएगा अगल बगल में, मतलब किसी को जो जिसको देना है दीजिए, फटाफट से दे के आती हूँ। और फास्ट थी ठेकुआ, हम इस साल गर्मा गर्म वाला नहीं खा पाए, मतलब कि ताज़ा, क्योंकि आज ही प्रसाद खाना था और आज हम फास्ट हैं। और चूड़ी देखिए, मम्मी का चूड़ी अगर हम ना लगा के देना तो मम्मी कुछ नहीं उठपटांग कुछ पहन के चली जाती हैं। यहाँ पे चूड़ी इतना अच्छे से लगा के दिए था और एकदम कूड़ा कबाड़ा बना के लेके आई हैं, अब इसको सही करेंगे कल सुबह में। तो ऐसे ही होता है मम्मी लोग का, जब बेटियाँ होती हैं ना तो मम्मी डिपेंडेंट होती है बेटियों पर, तो इसके नाते यहाँ दिखा रही हूँ मैं। और माता जी भी बोल रही हैं प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि प्रसाद प्रसाद अभी भी किसी को दे रही हैं। और यहाँ पे प्रसाद निकाले थी बड़े वाले, मतलब बाबा के वहाँ देने के लिए, तो थोड़ा सा वो रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, बस यही है। कह रहा उठ के थोड़ा सा ये वाला फूल तोड़ दो, सब्जी वाला नहीं उठ रहे, कह रहे ठंडा लग रहा है, कितरे ठंडा लाता कपैया धले लेवा, कह रहे उठ ना पवन, लम्बा छोट बानी यार, देखो थोड़ा, हाँ छोट बानी, भेटा ही नहीं हमसे, तोड़ दो ना। अरे सब लोग इतना अच्छा तो के कहे लगे, इतना आपका भाई इतना प्यारा है, हैंडसम है, अरे हो जन्म तुम हमारे हो, सनम तुम हमारे हो, जन्म जा पाड़ा जैसा हो के जा। उठ पमान उठ जाने उठ, बस वो शुरू देना रे पुनिया, ही ना को थक नोच ले रवा के पात पर उग्र सूरज देवा दी दी तो के सारे सारे बाजार कहब कि काम नहीं कर रहा है मेरा, का छन पवन आलस बड़ी बुरी बला है, छन न करे लग एक बार चलो ना यार, फल लाग जात खाए ले, ओकर फल बिया हो जाला फिर बोआला, चलो ना थोड़ा सा बोआ के जगह कुचाए बिया हो गए। तो कितना तिजरा धैले बा है घमो में, ठंडी लागे, कितना धूप बा बहिन, आर गादी गनी आज तो का ठंडा लगता है, पानी बरानी आ 3 घंटा हुए। और इसके बाद से आ गई थी किचन में, भाई के साथ बैठी थोड़ी सी मस्ती करी, और आप लोग को भाई के साथ वाली मस्ती वाली वीडियो बहुत अच्छी लगती है। और मिरर में देखिए आगे दिख रहा मेरा कैमरा लगा हुआ है ट्राइपॉड पे, और एक तरफ दाल रख दी थी, सब्जी बना ली थी कद्दू का, अभी आगे दिखा दूंगी मैं। और कोई रेसिपी वेसिपी तो आजकल शेयर नहीं कर रही हूँ, आलसी हो गई हूँ, नखादा हो गई हूँ मैं, कुछ भी नहीं शूट कर पा रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि मम्मी नहीं थी। अब मम्मी आ गई हैं तो शायद एक दिन रेस्ट करके अपने बर्थडे के बाद अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी, मतलब रेसिपी कुछ तो लाऊंगी नया नया। तो यहाँ पर दाल रोटी चावल सब्जी सब कुछ बना रही थी क्योंकि मम्मी आई थी,
और सुबह में भी उन्होंने दाल खाया था, बट इस टाइम भी दाल बना दिया मैंने। और यहाँ कद्दू की सब्जी, दाल, थोड़ा सा दाल बनाई हूँ और चावल, रोटी, तो यहाँ रोटी भी सेक दी थी पापा के लिए, बस रोटियाँ सेकी हूँ। और बहुत जल्दी आज खाना बना दी क्योंकि वीडियो लेट हो रहा था, तो वीडियो एडिट करना था। सो फैमिली, अभी खाना बना लिया है मैंने और खाना बना के मैं बैठी हुई हूँ वहाँ के बाहर। अभी 6:15 कम है तो बहुत ही थकान सा लग रहा है आज तो, और फास्ट भी हूँ। मुँह देख रहे हैं कैसा सुथनी हो गया है, जैसे जो सुथनियाँ चढ़ता है छठिया में सूख के वैसे हो गया, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और आज जा भी नहीं पाई मार्केट, मतलब देवरिया नहीं जा पाई क्योंकि बाइक लेके भाई चला गया अपने फ्रेंड के वहाँ, कल मॉर्निंग में आएगा, तो कल पता नहीं क्या होगा, कल किसने देखा है, तो नहीं खरीद पाए। और एक रीज़न और है कि अमित जी को फ़ोन कर रहे थे कि मतलब क्या लेंगे कपड़ा, मतलब कपड़े में क्या लेंगे, सूट कुर्ती क्या लेंगे रेडीमेड, तो उन्होंने ना नेट ऑफ करके रखा, नेट नहीं ऑफ करा होगा, ऑफिस में नहीं होंगे, बाहर होंगे ना, तो इसके लिए वाईफाई बंद था उनका, तो बात नहीं कर पाई ना पूछ पाई। तो और भाई भी चला गया, मेन कि भाई ही चला गया बाइक लेके, नहीं तो उनसे बिना पूछे भी चली जाती तो कोई बड़ा इशू नहीं था, कुछ भी अपने पसंद का ले लेती। उन्होंने बोला था कुछ अपने पसंद का ले लेना, कुछ भी कपड़ा। वैसे मेरे पास एक रेड कुर्ती है, शायद से मैं वही पहन लूँ अगर मैं ना ख़रीद पाऊँ तो। तो शाम हो गया है, इसके बाद 2 घंटे हैं मेरे पास, अभी तुरंत वीडियो को एडिट करूँगी, उसमें 1 घंटे तो टोटल जाएंगे वीडियो में, देन उसके बाद आराम करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू सो मच, बाय, टेक केयर।